Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss the remaining topics of chapter development, Class 10th NCERT. But if you have not subscribed us yet, please do subscribe our channel and press bell icon to get updates. Let's get started. Our first topic is public facilities. Public facilities are the services provided by the government to its citizens. For example, schools. हॉस्पिटल्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्राज यानी पब्लिक फैसिलिटीज वैसे सर्विसेज को कहा जाता है जो गवर्नमेंट अपने सिटीजेंस को प्रोवाइड कराती है मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड फॉर अ बेटर लाइफ यानी हमारी जेब में पैसा होना उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीद सकता जो कि हमें एक बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मनी कांट बाई अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट यानी मनी से हम लोग एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग मोर फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द पीपल फॉर लिविंग देयर लाइफ्स एज दे विश यानी ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों को ज़िंदगी अपने डिज़ायर्स के अनुसार जीने के लिए अधिक फ्रीडम एंड ऑपर्चुनिटी देने के बारे में है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाई इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट महबूब उल हक नाम के इकोनॉमिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूएनडीपी स्टैंड्स पी फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इट कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ़ द पीपल देअर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज़ को लोगों के एजुकेशनल लेवल उनके हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के पैरामीटर्स पर कंपेयर करती है आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंडेक्स दैट मीजर्स की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन एंड एक्सेट्राज यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के मेन डायमेंशन्स को मीजर करता है या मापता है फर्स्ट रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन यानी एच की फर्स्ट रिपोर्ट 1990 में यानी 1990 में पब्लिश की गई थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो कंजर्व इट फॉर द फ्यूचर जेनरेसन्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग वैसे डेवलपमेंट को कहते हैं जिसमें रिसोर्सेज को वाइजली इस तरह यूज किया जाता है जिसमें डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरमेंट को किसी तरह का नुकसान भी ना हो और साथ ही साथ रिसोर्सेज को फ्यूचर जेनरेसन्स के लिए कंजर्व भी किया जा सके our chapter ends here thank you for watching please do subscribe our channel and press bell icon to get updates thank you so much